दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। यहां पे बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार टीईटी अभ्यर्थियों की आईडी हैक हो रही है और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रदर्शन भी जारी है। तो यहां पे अगर हम देखें इस न्यूज को पूरी तरीके से, तो बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में शामिल होने वाले कई अभ्यर्थी की आईडी हैक कर शिकायत में फेरबदल की गई है। हैकर ने शिकायत में बदलाव करते हुए गलत संदेश पोस्ट कर दिए हैं। इसकी शिकायत संबंधी थानों के साथ साथ अभ्यर्थी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को से भी की है। अब अभ्यर्थियों को डर सता रहा है कि शिकायत में असंसदीय भाषा और हेरफेर के कारण उनका आवेदन कहीं रद्द न कर दिया जाए। तो गंगा ब्रिज थाने में यहां पे दर्ज की है प्राथमिकी पंकज कुमार ने। जो पंकज कुमार जो टीईटी अभ्यर्थी हैं, उन्होंने आईडी हैक कर हेरफेर करने की प्राथमिकी गंगा ब्रिज थाने में दर्ज की है। पंकज ने बताया कि पेपर 2 में मेरिट में 1 नंबर कम है। उसने वाइटनर की शिकायत नहीं की थी, लेकिन आवेदन में इसकी चर्चा है। पेज पर कई असंसदीय शब्द भी अंकित हैं। इसकी जांच कर सख्त कार्रवाई के लिए बोर्ड अध्यक्ष और एसएसपी को भी आवेदन दिया है। बोर्ड सूत्रों की माने तो इस तरह का हेरफेर 100 से अधिक आवेदन में किया गया है। राजा बाजार के अमित कुमार ने बताया कि उसके भी आवेदन में हेरफेर की गई है। इसकी शिकायत बोर्ड के कार्यालय से की गई है। आगे यहाँ पे खबर है कि व्हाट्सएप और फेसबुक से लिख हो रही है सूचना, तो इसकी जांच कर रहे पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपना एडमिट कार्ड और रिजल्ट पोस्ट करते हैं। हैकर को लॉगिन इन हैक करने के लिए जरूरी यूजर आईडी और पासवर्ड इसके माध्यम से आसानी से मिल जाते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद दर्जनों व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, इन ग्रुप पर भी नजर रखी जा रही है। और आगे यह है कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अप्रशिक्षितों का प्रदर्शन हुआ है। तो बिहार शिक्षा पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण अप्रशिक्षित शिक्षकों ने शनिवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सचिव के आश्वासन पर धरना स्थगित कर दिया गया। टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप डिसूजा ने बताया कि सचिव ने दिसंबर या जनवरी में परीक्षा कराने का आश्वासन दिया है। लिखित आश्वासन की मांग की गई है। 1 सप्ताह में परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई तो 26 नवंबर से आमरण अनशन पर शिक्षक बैठेंगे। शिक्षकों ने बताया कि सरकारी प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेनिंग लेने के बाद भी सन 2014-16 और 2015-17 में की परीक्षा बोर्ड नहीं ले रहा है। इस कारण प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी मानदेय में वृद्धि लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इससे हर माह हजारों रुपये का नुकसान 20,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों को हो रहा है। तो दोस्तों यही बड़ी खबर यहाँ पर है। आगे के अपडेट के साथ भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।